19-year-old Shannon Dhaka from Haryana topped the NDS entrance exam for the first women's badge. In 2021, the National Defence Academy announced that the first ever batch of women cadets will be welcomed in 2023. And upon hearing about the opportunity, she instantly decided to apply. किसी से भी आर्मी के लिए बात करो, सिविल एरिया में भी, तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है सबके मन में. आर्मी का नाम ही मतलब बिल्कुल ट्रस्ट से जोड़ के रखते हैं. तो ऐसा लगता था कि वाओ, दिस इज़ नॉट जस्ट अ जॉब बट अ सर्विस. आप अपने देश को भी सर्व करेंगे और साथ में पूरा देश आप पर बहुत यकीन करता है और बहुत प्राउड फील होता है. मैं इस डिसीजन का स्वागत करना चाहूँगी. बहुत सारी गर्ल्स हैं जो हमेशा से आर्मी ज्वाइन करना चाहती हैं, पर वो इस वजह से नहीं ज्वाइन कर पाती हैं कि अभी सीडीएस के लिए वेट करना पड़ेगा, पहले ग्रेजुएशन करो उसके बाद ज्वाइन करो. हमारे मन में भी जब हमें 11th 12th में था तो बहुत आता था कि काश एनडीए स्टार्ट हो जाए गर्ल्स के लिए. She got inspiration to join the armed forces from her grandfather, Chandrabhan Dhaka, who was a subedar, and her father, Vijay Kumar Dhaka, who retired as a Naib Subedar from the Army Service Corps. Her elder sister is also in the military nursing service. पर अगर दिक्कतों का सामना किया जाए और डटकर काम करा जाए तो हो जाता है. जैसे गुंजन सक्सेना को ही देख लीजिए, वो भी तो एयरफोर्स में है और फीमेल ही है, पर फिर भी उन्होंने कितना अच्छा काम किया. अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी. Border. Shannon expressed a wish to serve at the border if the opportunity is presented. Bureau Report, OTV News.